गाइज आपके सामने प्रॉब्लम नंबर 7 है और ये इजी है, हमने इसको एग्जांपल में भी सॉल्व किया है। इजी है, बहुत इजी है। देखो कैसे है, सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पर। सॉल्यूशन लिखने के बाद में आपसे ये कह रखा कि इतना फोर्स लगा है और न्यूटन का, इतने न्यूटन का फोर्स लगा है किसी पार्टिकल पर, और ये फोर्स लगने की वजह से जो उस पार्टिकल के अंदर डिस्प्लेसमेंट आया है वो ये आया है। डिस्प्लेसमेंट भी है आपके पास और आपके पास साथ में फोर्स की वैल्यू भी है इन टर्म्स ऑफ वेक्टर। तो आपसे कह रहा है कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स, फोर्स ने कितना वर्क किया। तो आप लिखेंगे सिंपल सा हेयर, यहाँ पर क्या क्या गिवन है आपको, देखो जल्दी से फटाफट। आपको फोर्स गिवन है कितना है, 4i प्लस का j प्लस 3k, साथ में डिस्प्लेसमेंट भी है इस फोर्स की वजह से कितना, 11i प्लस 11j प्लस 15k। आपसे पूछ रहा है वर्क, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ करो, तो फोर्स की वैल्यू को रख दो पहले, 4i प्लस j प्लस 3k। डिस्प्लेसमेंट कितना है आपके पास, 11i। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं 11j प्लस 15k, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं i f का जो f है उसका डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट करके दिखा सकते हैं। जरा दिखाइएगा डॉट प्रोडक्ट होगा क्या, जब 4 की 11 से करूँगा तो ये हो जाएगा 44 प्लस, जब 1 की 11 से करूँगा तो ये आ जाएगा 11, और जब 3 की 15 से करूँगा तो ये आ जाएगा 45। सबको ऐड कर दो, तो देखो एक इसमें करो 45 प्लस 45 90, 100 आ जाएगा, ये पूरा का पूरा 100 लिखा हुआ है, ये 100 जूल। तो जो वर्क निकल कर आया एक्चुअल में वो कितना आया, 100 जूल। तो कुछ टफ था क्या, कुछ टफ नहीं है। यहाँ पर आपको फोर्स दे रखा था इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट दे रखा था उस फोर्स की वजह से इन टर्म्स ऑफ वेक्टर। तो आपको जब भी वर्क डन निकालना हो तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट कर दोगे तो वो फोर्स की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, जैसे कि इस क्वेश्चन में आ चुकी है। थैंक यू सो मच।